चलिए अब सीधा दिल्ली का रुख कर लेते हैं। सहयोगी आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए नॉमिनेशन तो दाखिल कर दिया है जिसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन रायबरेली पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है, ये तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अगर अमेठी का जिक्र किया जाए तो अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि अमेठी की जनता को, अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी यही उम्मीद थी कि यहाँ से भी गांधी परिवार को ही टिकट दिया जाएगा। कयास यही लगाए जा रहे थे कि अमेठी से राहुल गांधी खड़े होंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी, लेकिन आप देखिए जो हालात इस वक्त बदल चुके हैं, राजनीति कुछ इस कदर करवट ले चुकी है। जो कांग्रेस आ था उस वक्त गांधी परिवार बहुत बड़ा रसूख रखता था और उत्तर प्रदेश में उनका एक अपना वर्चस्व हुआ था हुआ करता था। आप देखिए राहुल गांधी आराम में उत्तर प्रदेश में 17 से 19 सीटें कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के और जो डिसिप्लिन स्टेट में आया है, दंगे कम हुए हैं, उसके साथ सुशासन जो प्रदेश में आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी का है रुझान वो ज्यादा हो चुका है और बीजेपी को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी इतनी अलर्ट है। तो कहा जाता है, बात कही जाती है कि अगर दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होते हुए गुजरता है तो लखनऊ को सुनिश्चित करने को लेकर, यानी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को सुनिश्चित करने को लेकर बीजेपी हर एक सीट पर बारीकियत से नजर उसने डाली थी। हर एक उम्मीदवार को चेक किया गया था, स्टेट लेवल पे सर्वे कराए गए थे, नेशनल लेवल पे सर्वे कराए गए थे, उसके साथ साथ नमो ऐप से सर्वे कराए गए थे। बिल्कुल आनंद, कई सर्वे करवाए गए और हर एक उम्मीदवार का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया, उसी के आधार पर टिकट वितरण बीजेपी की तरफ से किया गया। ठीक वैसे ही रायबरेली और अमेठी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी सर्वे किया और इंटरनल सर्वे में यही निकल करके सामने आया कि अमेठी और रायबरेली की जनता यही चाहती है कि गांधी परिवार के सदस्य ही यहां से लड़े।